गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ समझें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना। यानी कि एक इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑब्जर्वेबल चेंज, यानी कि हम चेंज को ऑब्जर्व ना कर पाए ना, फिर बहुत ही स्मॉल चेंजेस हों। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देर आर नो ऑब्जर्व, यानी कि चेंजेस एज टाइम गोज बाय ना, यानी कि बहुत ही स्मॉल चेंजेस हो रहे होंगे, तो यानी कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम स्टेट को, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा केमिकल रिएक्शंस में, तो किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने वाला है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दो तरह की अपने पास केमिकल रिएक्शन है, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शंस और एक कौन सी है अपनी, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, इरिवर्सिबल का मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे ना। तो कह रहा था रिएक्शन विच प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे, और जनरली क्या बोलते हैं कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं भाई, फॉरवर्ड में ना, जैसे रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो एक ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे ना, यानी कि फॉरवर्ड भी करे और बैकवर्ड भी करे ना। तो मतलब यहां क्या लिखते हैं हम, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगी ना। ठीक है, जैसे हमने रिप्रेजेंट करा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। फिर बात करें तो क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन जनरली 100% कंप्लीशन की तरफ जाती है ना, यानी कि ऑल द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब वो टाइम डिसाइड होगा कि कितने टाइम के अंदर ना। ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा, फास्ट रिएक्शन होगी तो रेट क्या ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, पर ऑल द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और अगर बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, तो रिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीशन पे नहीं जाती ना, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ऑल द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हम अज्यूम करेंगे कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड ना, और वो भी कुछ केसेस के अंदर, पर रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाए, भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं, एक सिंगल एरो से, तो इस तरफ रिएक्टेंट, इस तरफ क्या भी प्रोडक्ट। और अगर बात करें किसके लिए भी, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो डबल एरो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, जनरली इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड इन ओपन वेसल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड इन क्लोज्ड वेसल। तो एक डिफरेंशिएट हुआ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा वो कौन से में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में ना। तो अभी बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो एक बात करते हैं कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होने वाले हैं ना। ठीक है, तो हम दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक किसकी, फिजिकल इक्विलिब्रियम की, और एक किसकी बात करते हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम डिस्कस किसको करेंगे, केमिकल को है ना, पर वैसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम सबसे लास्ट में एक चीज डिस्कस करेंगे ना, कि फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम चीज क्या है ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अभी ओनली फेज चेंज टेक्स प्लेस, यानी कि सिर्फ क्या होगा, फेज में चेंज होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा ना, मतलब क्या, नो केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व, कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होगा ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, BH2O लिक्विड से क्या हो गया, BH2O गैस, भाई वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। H2 है, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ लिक्विड से कहाँ चला गया, गैस में ना, सिर्फ फेज चेंज हुआ। ठीक है, और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या लिखेंगे अभी, केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व, कि केमिकल चेंज तो होना ही है, साथ में स्टेट का चेंज भी हो सकता है ना। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लें, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया गैस, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी केमिकल चेंज हुआ ना, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, अभी अमोनिया गैस बना रहे हैं, तो यहाँ केमिकल चेंज इन्वॉल्व हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हुआ क्या, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, तो ये क्या अपना, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या चीज़ें हुई होंगी ना अभी, तो उसकी हम बात करते हैं।
तो अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की ना। तो कह रहे कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन ना। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने एग्जांपल लिया H2 गैस प्लस I2 गैस एक कंटेनर में लिया और वो मिलके क्या बना रहे हैं अभी HI गैस, ठीक है। तो क्या अगर H2 और I2 लेके चलूं तो भी इनिशियल क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या हुआ अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। तो क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इनिशियल अगर HI लेके चलूं और हीट करूं तो भी ये क्या बनाएगा H2 प्लस I2। तो अगर मैं HI लेके चला तो भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, H2 और I2 लेके चला तो भी इक्विलिब्रियम क्या हुआ अभी एस्टेब्लिश हुआ। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है ना, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, अभी रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती ना, अभी इक्विलिब्रियम टाइम पे होता गया जो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जिस रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है वो दोनों क्या हो जाते हैं अभी सेम, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई होगी ना, पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों चल रही है, पर दोनों का रेट क्या हो गया बराबर। और जैसे ही रेट बराबर होगा तो क्या होगा, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ किसमें, मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कंसंट्रेशन जैसे प्रेशर। तो देखो एक पॉइंट लिखा है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। और एक और बात कहता है, एक चीज़ होती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है ना, या तो बढ़ाता है तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, घटाता है तो उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट ना। तो जब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी तो जिस रेट से फॉरवर्ड में चेंज करेगा उसी रेट से क्या करेगा बैकवर्ड में चेंज करेगा ना। तो कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अप टू सेम एक्सटेंट। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अल्टर नहीं करेगा ना, ठीक है। मान लो अगर इक्विलिब्रियम पहले बहुत लेट एस्टेब्लिश हो रहा था तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट डाला, पर इक्विलिब्रियम स्टेट वही रहेगी, बस टाइम क्या होगा जब ये जल्दी आ जाएगा, अचीव जल्दी हो जाएगा इक्विलिब्रियम ना। तो कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होने वाला है अभी जीरो, तो डेल्टा जी क्या होने वाला है जीरो होने वाला है ना। हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हैं कि डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है अपनी, जीरो होती है ना। अब देखना इस पॉइंट में अगर हम बात करें तो मान लो इनिशियल टाइम पे सिर्फ रिएक्टेंट लेके चलते हैं ना, एक दो ग्राफ की बात करते हैं। इनिशियल टाइम पे मैं सिर्फ क्या लेके चला अभी रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट लेके चला तो अभी तो फॉरवर्ड रेट जा रहा होगा और कुछ टाइम के बाद बैकवर्ड रेट आया होगा। तो कहता अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो देखना यहां पहले फॉरवर्ड रिएक्शन रही होगी, बैकवर्ड तो क्या रही होगी जीरो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रही होगी और बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, और इक्विलिब्रियम आने के बाद दोनों क्या हो गए होंगे भाई बराबर। ये कौन सा टाइम हो गया इक्विलिब्रियम, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड, और इस टाइम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट क्या हो गया अभी बराबर हो गए, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की, अब देखना इक्विलिब्रियम के बाद किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसकी कम होगी वो बाद में देखेंगे, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा ना। पर मान लो ये मान लेते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी किससे, प्रोडक्ट से, इक्विलिब्रियम टाइम पे। तो इनिशियल टाइम पे तो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रही होगी, प्रोडक्ट की तो क्या रही होगी जीरो, तो टाइम के साथ साथ इधर कन्वर्ट और होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, तो ये बढ़ा और वो वाला घट रहा था। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उसके बाद दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी अभी कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थी और ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, किसी की प्रोडक्ट की ज़्यादा हो सकती है रिएक्टेंट की ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इस रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज पे। पर यहाँ से बात पता चली कि इस पॉइंट को कर सकते हैं ना कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम आने के बाद कांस्टेंट हो गए, वो चेंज नहीं हो रहे ना। और जब इक्विलिब्रियम आया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गए भी बराबर हो गए, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्विलिब्रियम के ना। और अब रेट को डिफाइन करने के लिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन, ऑल दो 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा पूरा रेट पे केमिकल काइनेटिक्स, पर अभी अपने को रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है तो उसको हम थोड़ा सा डील करेंगे ना। तो उसकी बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की ना, यहीं से हम रेट के बारे में बात करते हैं ना। तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास।
किस पे डिपेंड करता है इसके एक्टिव मास पे ना, ठीक है। वैसे एक्चुअल में अगर मैं एक्टिव मास की बात करूं तो एक्टिव मास मेरा होता है, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कॉफिशियंट। अब आइडियल केस में अपने को एक्टिविटी कॉफिशियंट पता तो होता नहीं, तो इसको हम कितना मान लेते हैं, अभी अज्यूम कर लेते हैं एक ना। तो आइडियल केस में हम क्या बोलते हैं कि जो मेरा एक्टिव मास है वो किसके बराबर है, अभी मोलर कंसंट्रेशन के ही बराबर है ना, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअल में तो क्या होगा, एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो ये जो एक्टिव मास होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती ना, पर जब हमने एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन मान लिया तो कुछ यूनिट भी होगी इसकी, तो रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से ना, रिप्रेजेंटेड एज ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं बीच में, जैसे अगर ए की कंसंट्रेशन है ए लिख देंगे, एन टू की कंसंट्रेशन एन टू लिख देंगे, एच टू की है तो एच टू लिख देंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से किसको लिख देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को। तो अब मैं क्या अज्यूम करता हूं, एक होमोजीनियस रिएक्शन अज्यूम करता हूं ना, ठीक है। होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे किसमें होंगे, सेम फेज में होंगे। तो मैंने कोफिशिएंट मान ली कि ए ऑफ ए गिव्स सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो सारे मैंने कैसे मान लिए भी, गैशियस, ठीक है भाई। तो अगर मैं लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो किस पे डिपेंड करेगा अभी, इस पे ए और बी की कंसंट्रेशन पे, तो एक कांस्टेंट आया के एफ, एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, ठीक है। और ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम अज्यूम करें एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप, इधर से इधर सिंगल स्टेप, इधर से इधर सिंगल स्टेप, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है ना, एलिमेंट्री होगी तो सीधा कोफिशिएंट पावर रेज कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन में तो कौन से हो गए मेरे भी रिएक्टेंट, सी और डी, तो रेट कॉन्सेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जब मैं इक्विलिब्रियम पे चलूं तो मेरे को पता भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं, ठीक है। यहां अगर स्पेसिफाई कर देना तो जो के एफ है वो क्या है अभी, ये के एफ के बी दोनों लिख देता हूं ना, ये रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और रेट कॉन्स्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अगर ये बराबर करूं तो देखना क्या बनेगा, k फॉरवर्ड a टू द पावर a b टू द पावर b, k बैकवर्ड c टू द पावर c d टू द पावर d। तो k फॉरवर्ड बाय k बैकवर्ड इज कंसंट्रेशन ऑफ c d टू द पावर d a टू द पावर a एंड b टू द पावर b, ठीक है। अब देखना k फॉरवर्ड बाय k बैकवर्ड दोनों कांस्टेंट, तो इनका रेशो भी एक नया कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर दिया अपने कैपिटल KC से, ठीक है। तो ये KC क्या चीज है भी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ गया। और C का मतलब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एक्टिव मास लिखा था तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। तो हुआ क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आई, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका कॉफिशियंट डिवाइडेड बाय इन दोनों का, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर क्या उसकी भी, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर के एफ और के बी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं तो के सी भी सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि इट डिपेंड्स Only on temperature, कुछ भी छेड़छाड़ कर लो कभी फर्क नहीं पड़ेगा ना, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करने वाला है अभी, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब रिएक्शन ही चेंज कर दोगे तो बात अलग है, पर अगर रिएक्शन चेंज नहीं करी और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है ना। तो देखना ये होमोजीनियस रिएक्शन थी, गैस था तो गैस की कंसंट्रेशन भी डिफाइंड है और गैस के लिए प्रेशर भी डिफाइंड है, तो ये KC लिखा, ऐसे मैं KP भी लिख सकता हूँ, KP का मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, A टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर। तो ये मैंने KP लिखा, ये किसकी टर्म्स में लिखा, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में ना, तो ये मेरा क्या हो गया, K
Kp, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मतलब गैसियस रिएक्शन के लिए मैं Kp भी लिख सकता हूं और Kc भी लिख सकता हूं। अब अगर सारे एक्वस होते, सारे एक्वस होते तो उनका कोई प्रेशर डिफाइंड नहीं होता, तो उसके लिए सिर्फ क्या डिफाइन करते, Kc। ठीक है, फिर Kp डिफाइन नहीं करते। गैसियस रिएक्शन के लिए Kp भी डिफाइन कर सकते हैं और Kc भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने लिखना कैसे है ना। तो इसके कुछ 5-7 एग्जांपल्स करते हैं, पहले खुद अटेम्प्ट करना, मैं सारे एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर उसको देखेंगे कि कैसे कैसे इनको हम लिखेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, तो देखो इनकी बात करते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे सारे होमोजीनियस के एग्जांपल है ना। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के एक अपन ने हेटरोजीनियस लिखा। यहाँ अगर बात करें तो सारे गैसेज हैं, सारे गैसेज हैं, तो इसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अभी Kc भी डिफाइन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 पावर क्या देगा, 3। अच्छा, ये गैसेज है तो इसके लिए Kp भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। यहाँ अगर बात करें तो ये भी गैसियस है, तो इसका Kc भी डिफाइन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ऐसे इसका Kp भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, यहाँ देखना सारे एक्वस हैं, तो यहाँ क्या डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ Kc, इसका Kp डिफाइंड नहीं है ना, तो क्या लिखने भी Kp इज नॉट डिफाइंड, तो Kc लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ SN+4 कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SN+2 इनटू Pb+4। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया अपने, इसके लिए Kc लिख दिया। ये एक इंपॉर्टेंट है, ऑल दो केमिकल इक्विलिब्रियम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नेक्स्ट ईयर जब हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ऐसी इक्वेशंस अपने को मिलने वाली, भी एक्वस भी होगा और गैस भी होगा ना। तो जब भी एक ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक्वस भी हो और गैस भी हो, तो उसके लिए Kp Kc अलग से ना डिफाइन करके एक चीज़ डिफाइन कर देते हैं, Kpc। ठीक है, एक्वस के लिए कंसंट्रेशन और गैस के लिए प्रेशर। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस पावर 2 H+2 अपॉन में पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, सिर्फ एक्वस के लिए कंसंट्रेशन ले ली और गैस के लिए क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। ठीक है, तो ये हमने एक बात करी कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लिखें ना। अब जिस भी रिएक्शन में Kp Kc दोनों डिफाइंड होंगे तो इनमें एक आपस में रिलेशन भी निकाल सकते हैं ना। तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc की। तो बात करते हैं कि Kp और Kc में रिलेशन क्या हो ना। तो मान लो मैंने लिख दिया होमोजीनियस गैसियस इक्वेशन ले ले, प्लस डी ऑफ डीएस। ठीक है, तो देखना सभी को आइडियल गैस अज्यूम कर दे, तो पीवी इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, पी इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू में आरटी। तो प्रेशर और कंसंट्रेशन में ये रिलेशन है ना, कि प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आरटी। ठीक है, तो मैं इसका Kp लिखता हूँ, तो Kp बना पार्शियल प्रेशर ऑफ C^c पार्शियल प्रेशर ऑफ D^d अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A^a पार्शियल प्रेशर ऑफ B^b। तो किसी एक के लिए लिख के दिखा दे, तो मान लो मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखना है, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय RT। ये रहा P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू में RT। तो ऐसे मैं सभी के लिए लिख देता हूँ, तो यहाँ से बना Kp इज इक्वल टू क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C^c मल्टीप्लाइड बाय RT^c कंसंट्रेशन ऑफ C^c RT^c ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ D^d RT^d कंसंट्रेशन ऑफ A^a RT^a कंसंट्रेशन ऑफ B^b RT^b। ठीक, तो मैंने ये लिख दिया ना। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ ना, तो रीअरेंज करूँ तो मैं लिख दिया C^c D^d A^a एंड B^b। और ये जो RT था इसको पूरा लिख दिया C+d हो गया, नीचे क्या हो गया A+b,
तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये बना, ये तो पूरा के सी हो गया, ठीक है। इस पूरे को देखें तो ये तो क्या हो गया अपना भी के सी, तो क्या बना, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, उसको लिख लेते हैं डेल्टा एन जी। ये जो डेल्टा एन जी है क्या, सी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो यहां से डेल्टा एन जी याद करना है ना, डेल्टा एन जी है क्या चीज, इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स। क्या गैशियस प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, सी प्लस डी आ गया, ठीक है। माइनस क्या करना है इसमें से, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये क्या अपना डेल्टा एन जी है ना। तो ऐसे देखना, एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं जिसके लिए अपने को रिलेशन लिखना हो। तो जैसे एग्जांपल देखना, मैंने लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3 गैस। तो यहाँ का डेल्टा एन जी निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 माइनस ऑफ 1 प्लस 3 4, कितना माइनस ऑफ 2 आएगा। ऐसे अगर H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HI गैस, तो यहाँ डेल्टा एन जी मेरा 0 आएगा। और जिस भी केस में डेल्टा एन जी 0 आ गया तो KP और KC क्या होंगे, उसके लिए बराबर होंगे। जैसे बड़े सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3-4 एग्जांपल दे देगा, किस केस में KP KC बराबर है, किस केस में KP की वैल्यू KC से ज़्यादा है, किस केस में KP की वैल्यू KC से कम है। तो अपने को याद क्या रखना है कि KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या चीज़ है, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान रखना, गैशियस प्रोडक्ट, सॉलिड लिक्विड को कंसिडर नहीं करना ना, माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये डेल्टा एन जी होगा। तो एक रिलेशन आ गया KP और KC में कि KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। तो ये अभी तक हम चल रहे थे होमोजीनियस के अंदर ना, अब चलते हैं हेटरोजीनियस में, जहाँ पे सॉलिड भी आ जाएगा, लिक्विड भी आएगा, गैस भी होगा। तो ऐसी इक्वेशंस के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखें। अगर हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करें तो जब भी हेटरोजीनियस रिएक्शन होगी तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को कंसिडर नहीं किया जाता ना। तो कहता कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर नॉट कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इनको कंसिडर नहीं किया जाता ना। तो बोल सकते हैं बिकॉज देयर एक्टिव मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि वो चेंज ही नहीं होता। मतलब उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, अभी वेरी नहीं करती। तो अगर वेरी नहीं करेगी तो रेट के अंदर उनका टर्म आना ही नहीं चाहिए। तो जनरली ऐसा बोलता है कि प्योर लिक्विड की तो क्या रहती है अभी, मोलर कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है, और प्योर सॉलिड के लिए बोलता है कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट हुई तो डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास और मोल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो कहता है कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है प्योर सॉलिड के लिए, और प्योर लिक्विड के लिए मोलर कंसंट्रेशन, तो दोनों का मतलब एक्टिव मास कॉन्स्टेंट होता है, तो उनको कंसिडर हम नहीं करते ना, ठीक है। तो उनको हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, मैंने लिखा CaCO3 सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर अगर मैं KP डिफाइन करूँ तो ये तो सॉलिड सॉलिड जरूरत ही नहीं है, तो बचा गया सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऐसे अगर मैं KC डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर मैं कुछ और लिखूं, जैसे मैंने लिखा क्या, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HI सॉलिड लिख दिया। तो अगर मेरे को यहाँ पे इसका KP लिखना तो ये तो प्योर सॉलिड है, इसको वैसे ही छोड़ दें तो ऊपर तो बना गया, उधर और कुछ था ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ऐसे अगर KC भी लिखना चाहूँ तो ऊपर तो बनी, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल लूँ मैं, NH4HS ले लूँ सॉलिड, कहता है डिसोसिएट होता है किसमें, NH3 गैस और साथ में H2S गैस में। तो यहाँ पे KP डिफाइन करूँगा तो
पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, सॉलिड था इसको छोड़ दिया, ऐसे इसका केसी भी लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S, ठीक है। तो जब भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा तो अपने को क्या करना है, अभी किसको छोड़ देना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को कंसिडर नहीं करना, जगह छोड़ देंगे, उसकी जगह लगा लो वन लिख देना, उसकी जगह क्या लिख दो भी वन, ठीक है। तो ये एक बात थी। अच्छा अब देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिख रहे हैं केपी और केसी, इसकी कुछ यूनिट भी होती होगी, एक्चुअल में बात करें तो कोई यूनिट नहीं होती ना, क्योंकि एक्टिव मास यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि वो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर इन क्वेश्चंस में जहाँ पे हम आइडियल केस ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन या प्रेशर ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूनिट डिफाइन करते हैं ना, यानी कि अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ, तो ध्यान रखना ऐसे लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअली दे आर यूनिटलेस, ठीक है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती ना, पर फिर भी अपने को डिफाइन करनी हो तो जो हम केपी की यूनिट डिफाइन करते हैं ना, वो करते हैं एटीएम या जिसमें भी प्रेशर दे रहे हैं, पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। जैसे यहाँ देखना सिर्फ यही था तो क्या आ जाएगा, केपी एटीएम, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, एटीएम रहने वाली है, ठीक है। ऐसे केसी की यूनिट क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑल दो यूनिटलेस क्वांटिटी होती हैं, पर जब हम आइडियल केस में प्रेशर लेके चलते हैं केपी में और वहाँ मोलर कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, तो कुछ केपी और केसी की यूनिट आने वाली, बट डेल्टा एनजी जीरो हो जाए तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, पर अगर डेल्टा एनजी जीरो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हम इनकी यूनिट्स डिफाइन कर देंगे ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, जहाँ पे हमने अभी केपी और केसी के एक्सप्रेशन लिखना सीखे ना, ठीक है, और केपी और केसी में आपस में क्या रिलेशन था। तो इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक इसी अप्रोच से बन जाते हैं ना, मेडिकल में तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक अपने को एक केमिकल रिएक्शन दे दी और उसमें क्या पूछ लेगा, अभी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बता दो, ठीक है। और दूसरी बात, केपी और केसी में रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेन्स में भी रिपीटेडली पूछे गए हैं और नीट में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके एप्लीकेशन पे ना, कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, कब रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगी, क्या कंसंट्रेशन होने वाली है, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ इसको डील करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।